चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो खिड़की में बैठकर एक बार बाहर देखती है। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, मुझे जाना होगा। चिड़िया के पास दो दाने थे, वो अपने बच्चों को एक एक दाना दे देती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, पता है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, घर से बाहर नहीं निकलना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। शाबाश मेरे बच्चों। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू कालू, जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चले। हाँ, अपनी टोकरी और छाता ले लो। कालू कौवा अपनी भोजन रखने वाली टोकरी और छाता ले लेता है। दोनों चिड़िया और कौवा दाने की खोज में निकलते हैं। जंगल में बारिश की वजह से कहीं भी दाना नहीं था। वो घने जंगल में जाते हैं। केले के पेड़ पर भी कोई केला नहीं था। कौवे भैया, इस पेड़ पर केले भी खत्म हो गए, अब हम कहाँ जाएं? चिड़िया, अब तो एक ही रास्ता है, या हम घर वापस चले जाएं, या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। इंसानों की बस्ती से हमें भोजन मिल सकता है। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भोजन लिए बिना घर नहीं जा सकती। तो फिर हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का ही फैसला करते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके एक पेड़ के नीचे खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, जब चिड़िया और कौवा वहाँ जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारी मदद करो। चिड़िया, हम बारिश में फंस गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं घर से आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ। मैं खेत में पानी को देखता हूँ और तुम जाओ इन बेचारे पक्षियों को कुछ खाने को दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ घर जाती है। आप ये चावल खा लें, ये चावल मैंने सुबह ही बनाए थे। मगर हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम अपने बच्चों को छोड़कर अपना पेट कैसे भर सकते हैं? आप ये चावल खा लें और मैं आपको टोकरियों में आपके बच्चों के लिए भोजन रख देती हूँ। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया और कौवा चावल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किसान दौड़ा दौड़ा आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या क्या हुआ है पति जी? फसल में पानी भर रहा है, अगर बारिश ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किसान की पत्नी रोने लग जाती है। हौसला रखे माँ जी, कुछ नहीं होगा। चिड़िया, हमें बादलों के पास जाना होगा और बारिश को रोकना होगा ताकि किसान की फसल बच सके। हाँ कौवे भैया, गरजू बादल सागर पर ही होगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, हम पक्षी, पेड़ पौधे और बादल सब आपस में दोस्त होते हैं। हम अभी बादलों के सरदार गरजू बादल के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे। तेज हवा चिड़िया को धकेल कर एक तरफ ले जाती है और चिड़िया पेड़ से टकरा कर गिर जाती है। चिड़िया की मदद करने कौवा भी चिड़िया के पीछे ही आता है। चिड़िया उठो, मेरा पंख पकड़ कर उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। चिड़िया फिर से उड़ती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और वो दोनों सागर के पास पहुँच जाते हैं। मुझे गरजू बादल से मिलना है। मेरा नाम छोटू है और मेरे पिता गरजू बादल तो बरसात करने के लिए हैं। वो कब तक वापस आ जाएंगे? कौवे ने ये पूछा ही था कि पीछे से बादलों का सरदार गरजू बादल आ जाता है। चिड़िया कौवे, मैं आ गया हूँ, क्या बात है? बादलों के सरदार गरजू बादल, किसान की फसल पानी में बह जाएगी, इंसानों की बस्ती में और बरसात की जरूरत नहीं है। चिड़िया, जो पानी बादलों ने पी लिया है, जब तक वो बरसाएंगे नहीं वो वापस नहीं आ सकते। सहरा और सूखे का जंगल भी है, आप उन्हें आदेश दें कि सहरा और सूखे में जाकर बरसात करें, अगर किसान की फसल खराब हो गई तो वो सारा साल कहाँ से खाएगा,
उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया और कौवे, मैं जाता हूँ और जाकर अपने दोस्तों को बरसात करने से रोकता हूँ। फिर बादलों का सरदार तेजी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। चिड़िया और कौवा गरजू बादल के पीछे पीछे उड़ते हैं। गरजू बादल इंसानों की बस्ती में जाकर अपने दोस्तों से कहता है, बस 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 करो, बहुत हो गया, अगर बरसात की फसलें खराब हो जाए। इस बस्ती की दूसरी तरफ सहरा है, वहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तुम सब वहाँ जाकर बरसात करो। अपने सरदार की बात मानकर सारे बादल इंसानों की बस्ती से चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। चिड़िया और कौवा भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने हमारी फसल बर्बाद होने से बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, ऐसी बारिश में आपने हम पर एहसान किया, हमें भोजन दिया, हमारा भी तो हक है कि हम आपकी मदद करें। चिड़िया, मैंने आप दोनों की टोकरियों में फल और दाना रख दिया है, जाओ अपने बच्चों की भूख मिटाओ। चिड़िया और कौवा वापिस आ जाते हैं। कौवे की पत्नी गौरी कौवी और उसका बेटा घर से बाहर निकल कर बैठे हुए थे और उनका घर तो बारिश से टूट चुका था। गौरी, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? कालू जी, आप जैसे ही दाना लेने गए, घर की छत धड़म से नीचे गिर गई। गौरी, मेरा घर भी तो आपका अपना ही है, चलो जग्गू को साथ ले लो और सब मेरे घर में चलो, मेरा घर मजबूत भी है और सुरक्षित भी। कुकू भाई, अब तो बारिश भी रुक गई है, मगर मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया बहन, शायद मम्मा के पंख भीगे होंगे, उड़ना मुश्किल हो गया होगा उन्हें। हमारी मम्मा हमें पालने के लिए कितनी मुश्किलें उठाती हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसी बारिश में कभी भी अपनी मम्मा को दाना लेने नहीं जाने देंगे। फिर वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। बारिश के बाद जंगल का मौसम बहुत साफ हो गया था, सारे पेड़ पौधे खुशी से नाच रहे थे। चिड़िया और कौवे का परिवार भोजन खा रहा था, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे। कालू जी, क्या ये सारे पेड़ और फसलें हमारी हैं? दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है, ये जमीन हमारी ही है। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे कौवे से नहीं हुई? कालू जी, इतनी जमीन तुमने कहाँ से ली? इसमें से कुछ मेरे पिताजी ने और कुछ मैंने गरीब पक्षियों से छीनी हुई है, मगर तुम चिंता ना करो, अब ये हमारी है। धूप से बचाने के लिए एक गरीब मुलाजिम गौरी कौवे का छाता पकड़े हुए था। उसी गरीब मोहल्ले में एक तोता रहता था। तोते की पत्नी का अमरूद खाने को दिल करता है और वो मिठू तोते से कहती है, मिठू जी, आज कई दिनों बाद मेरा अमरूद खाने को दिल कर रहा है, मुझे कहीं से अमरूद तो ला दो। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए मीठा अमरूद लाता हूँ, तब तक तुम घर की सफाई कर लो। मिठू तोता जाता है, उसे खेत में एक अमरूद का पेड़ दिखता है। तोता जानता था कि ये पेड़ कौवे का है। वो कौवे को इधर उधर देखता है, मगर कौवा खेत में नहीं था। मैं एक अमरूद तोड़ कर ले जाता हूँ और फिर बाद में कौवे को बता दूंगा। तोता ऐसे सोचकर एक अमरूद तोड़ लेता है। पीछे से गौरी कौवे आ जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, ये अमरूद तेरे बाप का है? मैं जा रहा था बताने कालू कौवे को, बस एक ही तोड़ा है। ला, ये अमरूद मुझे दे। तू पानी देता रहा है ना इस पेड़ को, शक्ल देखिए अपनी, अगर दोबारा मुझे हमारे खेतों में नजर आए तो पेड़ से उल्टा लटका दूंगी। मेरी पत्नी का अमरूद खाने को दिल कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। तोता वहां से चला जाता है। गौरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था, वो तोते के पीछे ही उसके घर जाती है। आप इतनी जल्दी अमरूद लेकर आ गए? नहीं हरियाली, अमरूद तो कहीं से भी नहीं मिला।
इतने में गौरी कवि भी आ जाती है। सीधी बात बताओ ना अपनी पत्नी को कि चोरी किया था अमरूद और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। आप यहाँ क्यों आई हैं? मोटी चोंच वाले, तू बिना बताए मेरे खेत में चोरी करने जा सकता है और मैं यहाँ नहीं आ सकती। तुम क्यों आई हो? का लगता ना हो तो। तोते को उसकी पत्नी के सामने बेइज्जत करने के बाद गौरी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो चली जाती है। मिठू जी, क्या जरूरत थी चोरी करने की? तोता शर्मिंदा था, वो चुप रहता है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कबूतर की एक बकरी जिसका नाम स्वीटो था, वो घास चरते चरते कौवे के खेत में चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवे अपने खेत में झूले पर बैठे हुए थे। गौरी, वो बकरी है? रामो, जल्दी पकड़ो वो बकरी, कालू कौवा अपने नौकर से कहता है और कौवे का नौकर जल्दी से वो बकरी पकड़ लेता है। इसे पेड़ के साथ बांध दो, 2 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनो, इसे ना पानी देना ना घास, इसे सजा मिलनी चाहिए मेरे खेत में आने की। कौवा बहुत जालिम जमींदार था, वो पक्षी तो गया किसी जानवर को भी अपने खेत में नहीं आने देता था। चिड़िया, मेरी बकरी सुबह से नहीं मिल रही, क्या तुमने देखा है उसे कहीं? कबूतर भैया, जब मैं अपनी गाय के लिए घास लेने जा रही थी तो तुम्हारी बकरी कालू कौवे के खेत की तरफ जा रही थी, मैंने 2 बार उसे रोका था। कहीं मेरी बकरी कौवों के खेत में ना चली गई हो? कबूतर जल्दी जल्दी से कौवे के खेत में जाता है। उल्लू, मेरी ये बकरी यहाँ क्यों बांध रखी है? इसे छोड़ दो। इसे जमींदार कौवा बांध कर गया है, इसने खेत से घास खाई थी और फसल खराब की थी, इसे कौवा मालिक ही छोड़ सकता है। कबूतर वहाँ से सीधा कौवे की हवेली जाता है। साहिब, गलती हो गई, आज के बाद कभी भी मेरी बकरी आपके खेत में नहीं आएगी, बस एक बार मेरी बकरी को छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दें? उसे सजा देंगे हम, 2 दिन तक उसे भूखा प्यासा रखेंगे तो फिर दोबारा रस्सी खोलोगे भी तो वो बकरी हमारे खेत की तरफ नहीं आएगी। कौवे बकरी को नहीं छोड़ते। 2 दिन गुजर जाते हैं और शाम को कबूतर की बकरी मर जाती है। मालिक, मालिक, बकरी मर गई। मर गई है तो क्या हुआ, बता दो जाकर कबूतर को। मेरी बकरी मार दी उस जालिम जमींदार ने, मेरी बकरी मुझसे छीन ली। हौसला रखें कबूतर भैया, ऊपर वाला देख रहा है, वो न्याय जरूर करेगा। कौवे जमींदार किसी को माफ ना करते थे। चिड़िया की बेटी अपनी गाय को घास खिला रही थी कि वहाँ तितली आ जाती है। गुड़िया गाय की रस्सी छोड़कर तितली के पीछे भागती है। वो बच्ची थी, उसे नहीं मालूम था कि करीब ही कौवों का खेत है। गाय घास खाती खाती कौवे के खेत में चली जाती है। कौवे का नौकर उल्लू जल्दी से कौवे को बताता है। मालिक, मालिक, गाय खेत में गाय है। कालूपति जी, अब तो पक्षियों ने रोज का काम बना लिया है, कभी बकरी तो कभी गाय। आज मैं ऐसा काम करूंगा कि कभी किसी का पशु हमारे खेत में नहीं आएगा। कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर जाता है और एक ही वार से गाय की एक टांग काट देता है। गाय गिरती है, उठती है और लंगड़ाती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जब चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो गाय खून में लथपथ घर से बाहर खड़ी थी। मेरी गाय, ये कैसा हुआ, किसी जालिम ने मेरी गाय की टांग क्यों काट दी? शुक्र करो टांग काटी है, कहीं गर्दन नहीं काट दी मेरे पति जी ने। जालिम कवि, इससे तो अच्छा था कि गर्दन ही काट देते, ये कैसे जिएगी, इसे दर्द हो रहा है, क्या तुम महसूस कर सकती हो इसका दर्द? अगर दोबारा तुम्हारी गाय हमारे खेत में आई तो फिर गर्दन ही काटेंगे। अब जुल्म हद से बढ़ गया था। वो कहते हैं ना
कि जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो मिट जाता है। चिड़िया ने अपनी गाय की टांग पर पट्टी बांध दी और फिर कुछ दिनों बाद जख्म ठीक हो जाता है। रानू चिड़िया ने एक लकड़ी की टांग बनाकर अपनी गाय को लगा दी, जिससे गाय दौड़ तो नहीं सकती थी मगर थोड़ा बहुत चल जरूर सकती थी। बरसात का मौसम था, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में कौवे के खेत में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो जाता है। मकई की फसल तो पूरी तरह पानी में डूब जाती है और फलदार पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही तेज बारिश होती रही तो सब खत्म हो जाएगा। सब डरते हैं मुझसे, मगर इन बादलों का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खेत का पानी नदी में निकाल देता हूँ। कौवा अपने नौकर के साथ खेत में जाता है और अपने खेत का पानी नदी में निकालने लगता है। पानी में तैरता हुआ एक सांप कालू कौवे को डस लेता है और कालू कौवा वही पानी में गिर जाता है और नदी में बह जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि नौकर भी कालू को बचा नहीं पाता। मैं टूट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये बारिश मेरा सब कुछ खा गई, खेत, फसलें और मेरे पति को भी। कई दिन बारिशें होने के बाद बारिश रुक जाती है। खेत उजड़ चुके थे और गोरी कव्वी उजड़े हुए खेत में बैठी रो रही थी। अब गोरी के पास ना राशन था और ना ही जमीन में कोई फसल। तोते, दरवाजा खोलो, मैं गोरी कव्वी हूँ, तुम्हारे जंगल की जमींदारनी। मुझे पता है तुम जमींदारनी हो, मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे खाना दे दो, मैं भूख से मर रही हूँ। मेरा पति मर गया, खेत उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया। जिसकी तुमने बकरी मार दी, जिसकी गाय की टांग काट दी, जरूर ये उन्हीं का श्राप होगा। जाओ यहाँ से। गोरी कव्वी निराश होकर रोती हुई वापिस चली जाती है। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी, जिस तरह तुमने मेरी गाय की टांग काट कर उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही ऊपर वाले ने तुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया है। अब रोती रहो, यहाँ किसी से तुम्हारा भला नहीं किया हुआ जो तुम्हारी मदद करेगा। नफरत है हम सबको तुमसे, किसी के पास मदद के लिए ना जाना। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मिल चुकी है। बात हम पक्षियों की होती तो माफ कर देते, मगर जो जुल्म तुमने हमारे जानवरों से किया है, ये सजा अभी कम है तुम्हारे लिए।